क्वेश्चन नाइन ऑफ एक्सरसाइज 9.1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 कि वी हैव अ टावर एंड अ बिल्डिंग. सबसे पहले हम टावर ड्रॉ करेंगे. टावर के लिए कुछ इस तरह से टावर की शेप में इस तरह से बना लिया इसको. ये है टावर. टावर के टॉप को देखते हैं बिल्डिंग के फुट से और बिल्डिंग जो है वो छोटी है क्योंकि बिल्डिंग को हम इस तरह से ले लेते हैं. ये है बिल्डिंग और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री क्योंकि एंगल 60 डिग्री ज्यादा है, एलिवेशन बड़ा है. इट मीन्स कि टॉप जो टावर है वो ज्यादा ऊंचा है और बिल्डिंग के टॉप को हम टावर के फुट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री आता है और टावर की हाइट दी है 50 मीटर इन द क्वेश्चन और बिल्डिंग की हाइट को हमें ढूंढना है. अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए. टावर को मार्क किया ए बी और बिल्डिंग को सी और डी. बी और डी टावर के फुट और बिल्डिंग के फुट के बीच की डिस्टेंस को हमने एक्स मीटर ले लिया. अब हम राइट एंगल ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे सी डी बी. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि बिल्डिंग जो है बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है और यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है. सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे इन ट्राइंगल सी डी बी. बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रही है यहाँ और सी डी परपेंडिकुलर है बिल्डिंग और बी डी है इसका बेस विच इज एक्स और टेंजेंट आएगा ये एंगल 30 डिग्री. एंगल 30 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. रूट थ्री को एच से मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू एक्स. ये इक्वेशन एक हमारे पास आ जाती है. फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल दूसरी लेंगे जो 60 डिग्री जिसमें एंगल आ रहा है और इस तरह से इसको थोड़ा रब करके ट्राइंगल को समझ लेते हैं. ये ट्राइंगल है ए बी डी जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का फुट के बिल्डिंग से था. इस ट्राइंगल को लेंगे ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर जो है वो हमारा ए बी है और ए बी की लेंथ है 50, परपेंडिकुलर है 50 और बेस एक्स है और एंगल जो थीटा है एलिवेशन है दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है. 50/x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री रूट थ्री होता है और 50 जब x रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट थ्री एक्स हो गया. अब हम हाइट की बिल्डिंग को फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू फ्रॉम नंबर 1 यहाँ पे x की वैल्यू को पुट अप कर देंगे रूट थ्री एक्स रूट थ्री एच. 50 इज इक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री एच. रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो तो 50 इज इक्वल टू यहाँ रूट थ्री एच. एच इज इक्वल टू 50/3. अगर हम 50 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 16.666 आ जाता है. 16.67 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास आ जाएगी. अब चाहो तो इस डायग्राम को फिर से हम कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. ये था 30 डिग्री. और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री.
degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the two poles. So in this question हमें कहा है कि दो पोल जिनकी हाइट सेम है रोड के दोनों तरफ है और ये हमने रोड को इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं और ये वन पोल इज ऑफ हाइट एच एंड द सेकेंड पोल जिसकी हाइट भी हम एच लेंगे क्योंकि दोनों पोल सेम हाइट के हैं और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है विड्थ है वाइड है दोनों जो रोड की विड्थ है 80 मीटर है एच और दोनों की हाइट सेम है और पॉइंट बिटवीन द पोल ऑन द रोड इज टेकन एज पी. यहां से आप दोनों पोल के टॉप को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वन एंगल इज 60 डिग्री एंड द सेकेंड वन इज 30 डिग्री. अब हम पोल को नेमिंग करते हैं. ए बी फर्स्ट पोल है ये पॉइंट हम पी ले लिया और ये सी और डी दोनों ही तरफ राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द पोल विच इज ए बी. एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं और पी और डी डिस्टेंस 80 माइनस एक्स होता है. अब हम ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी लिया. इन ट्राइंगल ए बी पी ए बी परपेंडिकुलर है और ए बी की वैल्यू एच है और बेस है बी पी जिसको हमने एक्स कंसिडर किया है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है टेंजेंट और थीटा लेंगे ये 60 डिग्री. एज वी नो दैट टेंजेंट 60 डिग्री रूट थ्री होता है. एच इज इक्वल टू रूट थ्री के साथ एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक इक्वेशन आ जाएगी. नाउ वी विल टेक सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज सी डी पी. दिस पॉइंट इज पी. इन ट्राइंगल सी डी पी परपेंडिकुलर दिस टाइम सी डी है और सी डी को हमने एच कंसिडर किया है क्योंकि एच इज हाइट ऑफ द पोल. ये परपेंडिकुलर और बेस है पी डी और पी डी की वैल्यू है 80 माइनस एक्स. 80 माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी पर एंगल थीटा यहाँ 30 डिग्री है और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हम लेंगे 1 अपॉन रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम एच की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे रूट थ्री और h की वैल्यू यहाँ पर है रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री वैल्यू आ जाती है h 80 माइनस एक्स एक्स इस 3x में ऐड हो जाता है तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 4x इज इक्वल टू 80 x की वैल्यू 20 मीन्स पॉइंट p इज 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल AB एंड द सेकेंड पोल 80 माइनस एक्स 80 माइनस 20 60 मीटर फ्रॉम द पोल CD बेस ऑफ द पोल CD से पॉइंट P 60 मीटर की डिस्टेंस पर है. क्वेश्चन नंबर 12 है. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. मीन्स की टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बिल्डिंग इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो हमें क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ये बिल्डिंग को हमने इस तरह से डायग्राम से के साथ इसको ड्रॉ कर लिया है और इसकी हाइट है 7 मीटर. बिल्डिंग है ये बिल्डिंग के टॉप से हम एक केबल टावर को हम जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर को इस तरह से टावर की डायग्राम हम इस तरह से ले सकते हैं. एंगल है इसका एलिवेशन 60 डिग्री
और सेम पॉइंट से अगर हम टावर के फुट को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम टॉप से बॉटम को देखते हैं तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, और ये लाइन और बेस लाइन दोनों पैरेलल है, इसीलिए हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस एंगल को 45 लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये केबल टावर का जो टॉप है उसको लेंगे पॉइंट ए, और इस पॉइंट को बेस बी ले लिया, बॉटम को बी ले लिया, और ये हमने स्ट्रेट हाइट को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, केबल टावर को हटा दिया है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री के को यूज करके हाइट ऑफ द टावर को हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये बिल्डिंग ए बी है, ये पॉइंट सी और डी है, अगर सी डी 7 है तो इस पॉइंट को ई लेकर हम, ये भी 7 मीटर होगा, और इतनी हाइट को हम एच कंसीडर कर लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर एच प्लस 7 होगा, मींस हमें एच को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बी, और बी की डिस्टेंस है एक्स मीटर, अगर डी बी एक्स मीटर है तो सी और ई ये डिस्टेंस भी एक्स है, इसको भी हम एक्स लेंगे, डी बी इज इक्वल टू सी ई एक्स मीटर। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए ई सी को लिया, ए ई सी, ए ई सी ये राइट एंगल है, ये एंगल थीटा जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा, यहाँ पे 60 डिग्री है, ए ई सी में परपेंडिकुलर है ए ई, जिसको हमने एच कंसीडर कर लिया है, परपेंडिकुलर है एच, और बेस है हमारे पास यहाँ एक्स, और टेंजेंट की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे, एच अपॉन एक्स, टेंजेंट 60 रूट 3 होता है, एच एक्स को हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ वी विल टेक ट्राइंगल सी डी, सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी में परपेंडिकुलर सी डी होगा, सी डी 7 मीटर है, सी डी ये 7 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया है, और बेस हमारे पास है एक्स, और थीटा एंगल ये 45, टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है 7 अपॉन एक्स, टेंजेंट 45 1 होता है, 7 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू इधर आ गई हमारे पास। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देंगे नंबर 1 पे, तो हमारे पास h इज इक्वल टू रूट 3, और इसको आपने 7 डाल दिया, h इज इक्वल टू रूट 3 7 इंटू 7 रूट 3 7 हो जाएगा। देन हाइट ऑफ द टावर h प्लस 7 है, ये है हाइट ऑफ टावर, और h हमारे पास आया है 7 रूट 3 प्लस 7, हाइट 7 को कॉमन आउट करेंगे रूट 3 प्लस 1, और हाइट को हम रूट की टर्म्स में या फिर रूट की वैल्यू को पुट अप करके इसकी वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।